आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑपोजिशन में सब बैकग्राउंड के लोग मिलकर आ रहे हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आज हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर मुस्लिम कम्युनिटी के सारे सेक्ट्स के लोग साथ में मिलकर इस मैटर को अपोज कर रहे हैं। सारे के सारे सेक्ट्स में से कोई एक भी सेक्ट ऐसा नहीं है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है। हाँ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो टेलीविजन पर आकर या खुद की पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैसियत में वो कुछ अपने ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि वो एक बात को मिस आउट कर रहे हैं। यहाँ पर अब टॉपिक ये नहीं डिस्कस हो रहा है कि एक सिटिंग में तीन तलाक तीन होंगे या एक होंगे। यहाँ तीन और एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये चलेंगे या सारे कम्युनिटीज के सारे लॉज जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ के तहत हमारी कंट्री चलने वाली है, या हमारी कंट्री कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चलने वाली है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में मामला आता है तो कोई भी डिवोर्स नहीं दे पाएगा, ना हस्बैंड दे पाएगा ना वाइफ दे पाएगी, डिवोर्स तो सिर्फ कोर्ट दे पाएगा।